सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी को और बायोलॉजी के सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम जेनेटिक्स से संबंधित, यानी कि हम आनुवंशिकी को पढ़ रहे थे। हम मेंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, क्यों किया। और जो लास्ट हमने सेशन लिया था, यानी कि जो लास्ट हमारा इससे रिलेटेड वीडियो था, उस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि अलग अलग लक्षणों को उसने किस तरीके से सेलेक्ट किया, यानी कि अपने नियमों के लिए उसने किस तरीके से रूपरेखा तैयार की। उसी क्रम को अब आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कोई भी एक जीन है, ठीक है, कोई भी एक जीन, उसकी वंशागति कैसे होती है, ठीक है, उसकी वंशागति कैसे होती है। जान चुके मटर क्यों चूज किया, जान चुके कि कौन कौन से लक्षणों के आधार पर जो हम मेंडल के नियम है वो पढ़ेंगे। तो अब हम ले रहे हैं कि किस तरीके से एक जीन की वंशागति को मेंडल ने यहां पर एक्सप्लेन किया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि एक होता है एकल संकर क्रॉस। फिलहाल अभी हम इस एकल संकर क्रॉस की ही बात करेंगे, एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड और बाईहाइब्रिड एक एक रूप में समझ लेते हैं कि हम मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लिया हमने तने की लंबाई का, ठीक है, हमने क्या लिया, तने की लंबाई। अब एकल संकर क्रॉस की बात हो रही है, एकल संकर क्रॉस का मतलब हुआ कोई भी एक लक्षण लेकर, जैसे तने की लंबाई है, तने की लंबाई के आधार पर यहाँ पर दो गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे या दो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, एक लंबा, तने का लंबा होना और एक तने का बौना होना, ठीक है। तो ये दो लक्षण यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, जैसे हमने रेसिप्रोकल क्रॉस में भी पढ़ा था, हमने कहा था कि उसने क्या किया, पहले तो चूज किया कि इसको मेल ले लेते हैं, फिर बाद में चूज किया कि इसको एज अ फीमेल यूज करते हैं, और जहां इसे फीमेल लिया था बाद में उसे मेल की तरह ले लिया, वो अलग हो गया। यहां पर क्या किया, एक एक लक्षण को ही उसने पिक किया, जैसे लंबे और बौने का। लंबे और बौने का मतलब, नहीं तो वो क्या कर सकते थे, जैसे आगे बात करेंगे हम दो लक्षणों के आधार पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए एकल संकर क्रॉस की बात करते हैं। तो एकल संकर क्रॉस में चाहे तो फूलों के रंग के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिए, उसने बैंगनी फूल और सफेद फूल, बैंगनी और सफेद, तो केवल इन दो के आधार पर अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, जब एक लक्षण के आधार पर क्रॉसिंग कराई गई तो उसे कहा गया एकल संकर क्रॉस, यानी कि ऐसे पौधों के बीच में कोई भी जो हमारे अल्टरनेट फॉर्म थी, उन अल्टरनेट फॉर्म को, जैसे हाइट से रिलेटेड दो अल्टरनेट फॉर्म ये हुए, लंबा होना और बौना होना, टॉल और ड्वार्फ हो गया, ऐसी ही फूल के रंग को लेकर अल्टरनेट फॉर्म क्या होगी, फूल का बैंगनी रंग होना और फूल का सफेद रंग होना। तो इन अल्टरनेट फॉर्म के बेस पर उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, प्रयोग को उसने आगे बढ़ाया। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि ऐसा कोई भी क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर, ठीक है, रंग ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, फली का आकार ले लीजिए, जो भी आप, कोई भी एक कैरेक्टर, उस एक कैरेक्टर के दो कॉन्टेक्टिंग फॉर्म या दो अल्टरनेट फॉर्म, कैरेक्टर क्या था, लंबाई, दो अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गई, या कंट्रास्टिंग फॉर्म क्या हो गई, लंबा होना और बौना होना। यहां कैरेक्टर क्या हो गया, कलर, इसके दो अल्टरनेट फॉर्म क्या होंगी, बैंगनी होना या सफेद होना। अगर बीज के संदर्भ में कहेंगे तो बीज का आकार क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, और बीज का गोल होना और झुर्रीदार होना वो क्या हो गया, उसका जो फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म है, वो हो गई, यानी कि विपर्यास रूप जिसको हिंदी में कहा जाता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके के जब अल्टरनेट फॉर्म्स को यूज किया जाता है और उसके बेस पर जब इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, तो इसी तरीके के एक गुण को लिए हुए क्रॉस को कहा जाता है एकल संकर क्रॉस, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, इसमें कोई भी ले लीजिए, यानी कि
जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग होने के बाद हम जानते हैं, पढ़ा था हमने, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन बनेगी, यानी कि जो F1 पीढ़ी बनेगी वो F1 पीढ़ी कैसी होगी, हाइब्रिड होगी, यानी कि संकर पीढ़ी होगी, यानी कि संकर प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब मेंडल ने क्या कहा कि जब अपने प्रयोग आगे बढ़ाए, हालांकि जितने प्रयोग मेंडल के द्वारा किए गए वो रेसिप्रोकल क्रॉस भी किया गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक बार में उसने बैंगनी रंग को मेल एज अ मेल प्लांट पिक किया, तो रेसिप्रोकल में उसने बैंगनी रंग को क्या ले लिया, फीमेल प्लांट ले लिया और उसके अल्टरनेट को अपोजिट कर दिया। मींस सफेद को पहले फीमेल लिया था तो बाद में मेल ले लिया। अब देखिए क्या है कि मेंडल ने जब ही अपने एक्सपेरिमेंट से सामने रखे, तो अब जेनरेशन हम कौन सा ले लें, मान लीजिए लंबे और बौने का ही ले लेते हैं। ठीक है, पौधों में क्रॉसिंग कराई गई लंबे और बौनों के बीच में। जब यहां पर क्रॉसिंग हुई इनके बीच, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही, क्योंकि अगर ये बेस अभी क्लियर हो जाएगा तो आगे जो नियम महत्वपूर्ण है जो कि वो समझने थोड़ा सा सुविधाजनक रहेगा। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा डिटेल और इजी करके बताने की कोशिश है, ताकि कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाए। देखिए अब क्या किया इसने, लंबे और बौने पौधे यहां पर ले लिए, लक्षण बहुत सारे लिए थे, बीजों के आधार पर, फलों के आधार पर, फली के आधार पर, ये दो दो लक्षण पिक किए तो छह हो गए, और एक तने की लंबाई के आधार पर। तो हम उसी के बेस पर यहां पर क्या ले रहे हैं, एकल संकर क्रॉस को देख रहे हैं। अब इसने क्या किया कि जब उनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है, क्रॉसिंग कराने के बाद जो भी पौधे बने, ये F1 जेनरेशन आई, ठीक है, तो जो भी पौधे बने वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे, कैसे थे, लंबे थे। जबकि क्रॉसिंग किसके बीच में हुई थी, लंबे और बौने दोनों के बीच में हुई थी, लेकिन फर्स्ट जेनरेशन जो मिली और उसमें जो पौधे मिले वो पौधे मात्र कैसे थे, लंबे थे। तो यहां ये प्रदर्शित, अब आगे टर्म आने वाली है कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, कौन सी टर्म आने वाली है, प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर कैसे पिक किए जाते हैं। इनके बीच में क्रॉसिंग हुई, F1 जेनरेशन में कितने मिले, सब लंबे पौधे मिले, क्योंकि जो ये वाला गुण था ये इनके साथ क्या हुआ, दब गया। केवल एक ही जनक के लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच पाते हैं, तो केवल एक ही जनक के समान जितने संकर थे वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में संकरण होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, लंबे पौधे का रिजल्ट आता है, पहली चीज तो ये रही। अब यही प्रयोग किया गया सफेद और बैंगनी पे, यही प्रयोग किया गया गोल और झुर्रीदार पे, यही प्रयोग किया गया पीले और हरे पे, बीजों के रंग के आधार पर बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पीले और हरे की बात करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, पीले और हरे, इनके बेस पर जब आगे क्रॉसिंग कराई गई तो जो F1 जेनरेशन थी वो कैसी थी, येलो। ठीक है, जो सीड मिले थे F1 जेनरेशन में, यानी कि बीज के रंग के आधार पर कह रहे हैं, तो वो कैसे मिले थे, येलो, यानी कि पीले। ठीक है, कैसे मिले थे, येलो, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात क्या होती है, F1 जेनरेशन के बाद फिर से क्या कराया जाता है, आगे क्रॉस कराया जाता है, क्योंकि सेकेंड फिलियल जेनरेशन चाहिए, F2 जेनरेशन चाहिए। F2 जेनरेशन तब आगे बढ़ती है जब F1 जेनरेशन से प्राप्त जो भी यहां पर हमें रिजल्ट मिला है या जो भी हमें सीड मिले हैं उनको हम एज ए पेरेंट जेनरेशन यूज करते हैं। अब इसको छोड़ देंगे, अब पेरेंट जेनरेशन की तरह क्या होगा, F1 जेनरेशन को यूज किया जाता है और तब F2 जेनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। यहां पर क्या होता है, माना लंबे और बौने का ही उदाहरण ले रहे हैं, उसी से आगे बढ़ाते हैं। जब इनके आगे क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग होने के बाद यहां पर यह दिखाई देता है कि जब क्रॉसिंग आगे बढ़ी तो तीन लंबे तने वाले पौधे मिले और एक बौने पौधे वाला तना मिला, किसमें, F2 जेनरेशन में, यानी कि यहां जो अनुपात था वो अनुपात था 3:1। ठीक है, वो कौन सा अनुपात था, 3:1। अब देखिए ये वाली जेनरेशन कौन सी हो गई,
एफ टू जेनरेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब ये वाला गुण यहां पर प्रदर्शित नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद जब फिर से इनकी क्रॉसिंग होती है, मतलब जब एफ टू जेनरेशन की प्रिपरेशन होती है, तो अगर हम चार पौधों का उदाहरण लेते हैं, 100 बीजों का भी नहीं लेते हैं, चलिए 100 का ही उदाहरण ले लूं, अगर मैं मान लीजिए 100 बीजों में क्रॉसिंग कराई गई, तो इनमें क्या हुआ, 75 तो लंबे मिले, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 25 क्या मिले, बौने मिले, यानी कि ये गुण पूरे तरीके से गायब नहीं हुआ था, ये एफ टू जेनरेशन में अपने आप को फिर से रिप्रेजेंट करने का काम करता है, यानी कि एफ टू जेनरेशन में अपने आप को फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ टू जेनरेशन में जो रेशियो मिलता है वो रेशियो मिलता है 3:1 का रेशियो। ठीक है, अब दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, जो कि हमने कहा कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किस तरीके से डिटेक्ट होगा वो जान लेते हैं। देखिए, बौने पौधे जो थे, यानी कि जो फॉर्म थी F1 जेनरेशन में छिप गई, क्योंकि सभी हमें कैसे मिले, लंबे मिले, लेकिन जब F2 जेनरेशन में आती है तो लंबे भी मिलते हैं, बौने भी मिलते हैं। तो ये बात समझ में आ जाती है कि F2 जेनरेशन में जब ये बौना पौधा यहाँ पर फिर से अपीयर होता है, तो एक गुण है जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी अपीयरेंस आती है। अब हम बार बार कहते हैं कि लंबे और बौने में लंबा जो गुण होता है वो प्रभावी होता है, बौना जो गुण होता है वो अप्रभावी होता है। हम प्रभावी गुण किसको कहते हैं? हम प्रभावी गुण उसको कहते हैं जो हमें F1 जेनरेशन में मिलता है। ठीक है, अभी जैसे उदाहरण हमने लिया किसका, हरे और पीले का। ठीक है, हमें क्या मिल रहे थे यहां पर, पीले सीड मिल रहे थे। ठीक, तो प्रभावी गुण कौन सा हुआ, पीला हुआ। समझ में आ गया? अगर ये गुण प्रभावी है तो इसके तुलनात्मक ये गुण अप्रभावी था, क्योंकि पहली जेनरेशन में ये गुण छुप गया। समझ में आ गई बात? इसीलिए लंबे वाला जो गुण होगा इसमें वो प्रभावी लक्षण होगा, तने का लंबा होना, या यहां पर मैं कहूं बीज का पीला होना, पीला रंग या पीले बीज, ये प्रभावी लक्षण होगा। और अप्रभावी लक्षण बौने की लंबे की तुलना में क्या होगा, बौना होना, और रंग हर पीले की तुलना में क्या होगा, हरा होना। तो एक प्रश्न जब ये दिमाग में आता है कई बार कि हम लंबे और बौने में कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा गुण प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है, तो प्रयोग के माध्यम से जो F1 जेनरेशन में मिला वही गुण प्रभावी है, और अप्रभावी लक्षण F2 जेनरेशन में अपने आप को अपीयर कर पाता है, अपने आप को फिर से सामने रख पाता है। ठीक है, दूसरी चीज हुई थी ये यहाँ पर। अब अगली बात जो इससे संबंधित है वो ये है कि प्रयोग यहां तक तो रोका नहीं जाएगा, जेनरेशन क्या होगी, क्रॉसिंग आगे बढ़ेगी, और उसके बाद हमें ये भी प्रयोग करना है कि क्या ऐसा संभव है कि हमें प्योर फॉर्म प्राप्त हो जाए। देखिए, ये हमने कहा कि मान लीजिए 75 सीड ये थे और 25 सीड ये थे, परसेंट बेस पे बोल रहे हैं क्योंकि 100 से कैलकुलेटेड किया था। ओके, F3 जेनरेशन की बात करें, यहां F3 जेनरेशन में 75% लंबे मिले हैं और 25% क्या मिले हैं, बौने मिले हैं। अगर हम बौने पौधों को अब जनक मान लेते हैं, इन पौधों को क्या मान लेते हैं, पेरेंट मान लेते हैं, तो इनसे बनने वाले सारे के सारे पौधे कैसे होंगे, बौने होंगे। इससे क्या पता चला, क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये ट्रू ब्रीडिंग है, यानी कि ये सत्य प्रजननी है। ठीक है, तो इनसे क्या हुआ, किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं मिला, चेंज इन द सेंस कहने का, लंबे या बौने का कोई कंफ्यूजन नहीं था, बौने पौधों से कैसे पौधे बने, बौने पौधे ही बने। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, इन लंबे पौधों में, तीन जो हमें लंबे पौधे मिले, इनमें डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर दें तो लगभग इनमें से एक तिहाई ऐसे पौधे थे जो पूरे तरीके से लंबे थे। समझ में आई बात? इनमें से एक तिहाई पौधे ऐसे थे जो पूरे तरीके से क्या थे, लंबे थे। ठीक हो गया ना? अब बाकी कितने बचे, दो तिहाई।
तो दो तिहाई पौधे जो थे इनमें से, उनमें लंबे तने वाले पौधे भी थे और उनमें बौने तने वाले पौधे भी थे। आगे बात समझ? अगर एक तिहाई ये थे तो ये कितने हुए? दो तिहाई। इनमें से इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, बात सिर्फ हम इसकी कर रहे हैं। हमने कहा तीन पौधे लंबे मिले, अब ये तीन पौधे जो लंबे मिले ये क्या थे? दो तरीके के। इनमें क्या था? एक तिहाई पौधे ऐसे थे जो लंबे थे, यानी ट्रू ब्रीडिंग थी, जो जिनमें क्या थे? ट्रू ब्रीडिंग थी, समझ में आया? लंबे थे। बाकी रिमेनिंग 2/3 कितने थे? उनमें लंबे भी थे और बौने भी थे। लंबे और बौने दोनों तरीके के पौधे उसमें हमें मिले, समझ में आ गया? अब देखिए, अगर आप रेशियो फाइंड आउट करें, मान लीजिए हमने 75 से ही लिया है, हमने ले लिया, इसी को ले लेती हूँ, चलिए 1/3 कितना परसेंटेज था? 75% था, 75% ही तो लिया था हमने। 100 टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने माने थे? 100 माने थे। तो यहां जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? 25%। यहां लिया 2/3, ये भी कितने का हिस्सा है? 25% का ही तो हिस्सा है, 75%। तो ये कितना आया हमारा? 50% बचे ये, ठीक है। ये कितने आएंगे हमारे, अगर हम बौने का रेशियो भी निकालेंगे इसमें तो ये कितने आएंगे? एक था, रिमेनिंग 25 ही तो था ये, ठीक है। तो ये कितने आए? 25%। अब 100 में से देखिए, 1:2:1, 25%, 50%, 25%, ये और ये। तो F3 जेनरेशन में जो हमें रेशियो मिलता है वो रेशियो क्या मिलता है? 1:2:1, यानी कि एक लंबा एक बौना। और दो कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे जिनमें लंबे के गुण भी थे और जिनमें बौने पौधे के गुण भी थे, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो रेशियो था ये ट्रू ब्रीडिंग हमने बोला। तो ये कैसा मिला? शुद्ध लंबा, जिनमें लंबे और बौने दोनों के लक्षण थे, यानी कि ये हाइब्रिड थे, इनको कहेंगे संकर पौधे। और ये भी हमें कैसे मिले थे? ट्रू ब्रीडिंग जिनको बोला था, ये हमें मिले थे शुद्ध बौने, ठीक है। तो शुद्ध लंबे हमें कितने मिले? एक। संकर हमें कितने मिले? दो। और शुद्ध बौने हमें कितने मिले? एक, ठीक है। तो ये आएगा इसका रेशियो। और ये रेशियो कब आएगा? जब F3 जेनरेशन में आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, यानी कि थर्ड फिलियल जेनरेशन जो है, उस थर्ड फिलियल जेनरेशन ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर हम एक संकर क्रॉस में से डोमिनेंट और रिसेसिव इन रूपों को अलग अलग ले जाते हैं, तो F2 जेनरेशन में उनका रेशियो मिलता है हमें 3:1, ये लिखा था हमने। उनका रेशियो हमें क्या मिलता है? 3:1। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर है छिपा हुआ है, फिर हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद जब इनका रेशियो आता है, वो रेशियो हमारा आया था ये, यानी कि 1/2, 1/4 और ये 1/2, ठीक है। तो यानी 1:2:1, ये रेशियो मिला हमें F3 जेनरेशन में। तो इस तरीके से जेनरेशन में रेशियो फाइंड आउट होता है। मैं समराइज कर देती हूँ, जो F1 जेनरेशन होगी, जो एक तरीके से हम हाइब्रिड कह सकते हैं, लेकिन एक ही लक्षण को प्रदर्शित करेगी, वो लक्षण कैसा होगा? वो लक्षण होगा प्रभावी, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। जब F2 जेनरेशन में क्रॉसिंग होती है, यानी कि F2 जेनरेशन में जो भी प्लांट बनते हैं या सीड बनते हैं वो कैसे होते हैं? उनके बीच का रेशियो होता है 3:1। बात आगे बढ़ती है और जाती है F3 जेनरेशन तक, यानी कि थर्ड फिलियल जेनरेशन तक। यहां पर जो रेशियो मिलता है वो 1:2:1 मिलता है। अगर हमने ये जो कैरेक्टर पिक किया है स्टेम की हाइट के बेस पर किया है, लंबे और बौने पौधों को पिक किया है, तो इसमें जो एक और ये जो एक है, ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने को। शुद्ध लंबे यानी कि प्योर कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने,
ठीक है। ये जो टू प्रदर्शित कर रहा है इसमें मिसलिनियस कैरेक्टर होगा, लंबे भी होंगे और बौने भी होंगे, तो ये मिसलिनियस कैरेक्टर वाला होगा। तो इस तरीके से मेंडल ने जो एकल संकर क्रॉस यानी कि एक जीन की किस तरीके से वंशागति होती है, यानी कि किस तरीके से उसमें इनहेरिटेंस होता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसमें, सिंगल जीन में या वन जीन में। बात आगे बढ़े और इसमें क्या होता है, जब ये प्रयोग किए मेंडल ने, फिलहाल इतनी ही बात करेंगे आज वाले सेशन में, लेकिन मेंडल ने जब ये प्रयोग किए तो उनका कुछ एक रिजल्ट भी आया, वो रिजल्ट डिस्कस कर सकते हैं लेकिन शॉर्टली डिस्कस करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आएगी जिसमें होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा, तो पहले इन टर्म को समझना जरूरी होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बता भी दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, धन्यवाद।